स्वागत है आपका इस कमरे में। थैंक यू, थैंक यू। फ्रूट की बात करें तो आपको कितना पसंद है फ्रूट, और थोड़ा हेयर एंड केयर के बारे में? थोड़ा हेयर एंड केयर के मतलब बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक्चुअली मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के पहले जब हेयर एंड केयर के एड्स टीवी पे मैं देखती थी, और एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, जो दी ओनली नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, सिर्फ हेयर एंड केयर का ऑयल था और है जो है नॉन स्टिकी, तो मुझे वो बात बहुत पसंद आई। क्योंकि जब भी मैं ऑयल करती थी तो मुझे वो चिपचिपाहट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो ऑफ कोर्स जब मैं फिल्मों में आ गई और हेयर एंड केयर फिर चाहते थे कि मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गर्व की बात है। अभी मैं उन्हें इंडोर्स करती हूँ। तो आई थिंक जो हमारी इंडियन कल्चर में जो चंपी जो होती है वो बहुत ही मतलब हर हर घर में हर माँ जो है अपने बच्चों के बालों पे या हस्बैंड या फैमिली के सबको एक प्यारा सा हेड मसाज देती है। तो आई थिंक कि वो जो इतना अहम हिस्सा है एक इंडियन हमारी हमारे भारतीय कल्चर का, तो आई थिंक जब हेयर ऑयल की बात करते हैं, अगर आप उसे नॉन स्टिकी भी बना लेते हो तो वो एक इट्स अ बोनस, यू नो। सो आई रियली पर्सनली लव दैट। और मैं ऑयलिंग में बहुत मानती हूँ, और हेयर एंड केयर हर हफ्ते तो पक्का यूज़ करती हूँ। और इस बारी जो है उनका नया अवतार है जो है फ्रूट ऑयल्स, तो जो फ्रूट का पोषण है, फ्रूट के जो गुण हैं वो इस हेयर ऑयल में है। सो दैट्स रियली गुड फॉर योर हेयर। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, मतलब जब से मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे बहुत ही प्यार से मेरे बालों में आज भी हेयर ऑयल लगाती हैं, और बिल्कुल रिलैक्स कर देती है जब बहुत थक के आ जाती हूँ शूट से। तो उसका मतलब अलग ही मज़ा है, एक अलग ही बहुत मतलब प्यार भर जाता है दिल में। बिल्कुल। जी, मैं डेफिनेटली ऑयलिंग में बहुत मानती हूँ, अपना हेयर एंड केयर ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जिस दिन मैं शूट नहीं कर रही होती तब मैं अपने बालों को स्टाइल नहीं करती, उसे ज़्यादा हेयर ड्रायर से स्टाइलिंग नहीं कराती, क्योंकि जो हीट होता है, वो जो गर्मी होती है हेयर ड्रायर से, वो अपने बालों को ड्राई कर देती है और डैमेज कर सकती है। तो मैं बिल्कुल कोई स्टाइलिंग नहीं करती उन दिनों। तो हसीना के टीज़र को मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक रिस्क था मेरे लिए, रिस्क है मेरे लिए, बहुत ही अलग अवतार में नज़र आ रही हूँ। तो जब लोग खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं आपको एक अलग अवतार में देखने, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो टीज़र के रिस्पांस से मैं बहुत खुश हूँ, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी, साइना नेहवाल पे। जी, उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहें कि कब शूट स्टार्ट हो रहा है, कब लोगों तक आएगी? तो उसकी ट्रेनिंग शुरू है अब, और आई थिंक जैसे ही मैं तैयार होंगी तब शूट शुरू हो जाएगी। यस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द थैंक यू फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।